खाना तो खत्म कर। दी क्या हो गया आपको? बर्बाद हो गई हूँ मैं। कल पे मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई है, बर्बाद हो गई। उस लड़की शिका ने सब खत्म कर दिया, आग लगा दी है मेरी शादीशुदा जिंदगी में। करें चलो, रोक लो इससे पहले कि सब कुछ खत्म हो जाए। बहुत देर हो जाए इससे पहले सब। चलिए ना माधव जी, उसे रोक लीजिए, वो सब कुछ खत्म कर देगी वो लड़की। प्लीज चलिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, चलिए। ये क्या कर रहे हैं? तो अभी लाइन है, उसके पहले लाइन है। अरे क्यों दोनों वहाँ पे एडी खड़े हैं? दे दिया सर, उसके बाद लाइन है। नहीं थी तुमने इनकी लाइन, बोलो सारी बात बताओ हमें। प्रधान लेफ्ट लेफ्ट बस ओके। रोलिंग थोड़ा ऊंचा दिया करो, क्यों? एक्शन। दीदी हमें ये तो बताओ कि हुआ क्या है। ये लड़की है ना शिखा, हर वक्त यही प्रूफ करने पे तुली है कि मैं आरती नहीं हूँ। तुली रहती है, हर वक्त यही प्रूफ करने पे तुली रहती है कि मैं आरती नहीं हूँ। मेरे और रघुजे के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है ताकि हम दोनों हर वक्त लड़ते रहें, ताकि मैं उनके दिल से ही उतर जाऊँ। वो मेरी जगह लेना चाहती है। सब कुछ बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने सब कुछ। हाँ मेरी बात मानिए, उसको रोकिए। वो बिल्कुल, उसकी बहुत बुरी नजर है मेरे पति पर, मैं सब समझ गई हूँ। प्लीज चलिए। हो सकता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। नहीं आरती, करण ठीक कर रहा है, तुम्हें साथ कोई गलत फहमी है, वो ऐसा नहीं कर सकता। कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। अरे मैं कैसे समझाऊँ आप लोगों को, कोई गलत फहमी नहीं है। ये लड़की आधी रात को मेरे पति को अपने कमरे में ले जाती है, उनका वीडियो बनाती है, सब लोगों के दिल में मेरे लिए शक पैदा करती है, हॉस्पिटल तक ले जाती है। ये जो सारा कैंसर का ड्रामा था ना, ये ड्रामा था इस लड़की का, कब समझेंगे आप लोग? वो रघु के मन में अपने लिए जगह पैदा करना चाहती है ताकि उनका सब कुछ हड़प ले। आप लोगों को यकीन नहीं आता? आइए मैं आपको खुद दिखाती हूँ। चलिए चलिए, देखिए खुद देखिए। मेरा थोड़ा चिंडा लग रहा है, जाके बता दिए। सुदीप आपके राइट आउट और रेडी सर, रोल साइलेंट, रोलिंग एंड एक्शन। वाह, आप मुझसे पूछ रहे कि मैं क्यों चिल्ला रहा हूं? मुझे आपसे पूछना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूं? ओके, मेरा सर दर्द हो रहा था, शिखा मेरा सर दर्द आ रही थी। व्हाट्स अ बिग डील, इसमें क्या हो गया? तुमने बाहर जाके इन्हें बता दिया, बड़ी बेशर्म हो तुम। हमारी आपस की बात तुमने इन्हें जाके बता दी, मीडिया में अनाउंस कर दी थी ना। करण मेरा भाई है, करण मेरा भाई है, मेरी जिंदगी में मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है। और अगर मेरी जिंदगी किसी वजह से खराब हो रही है तो उसके बारे में मैं अपने भाई को बताऊंगी। मानव जी मेरे लिए भगवान के। ओ शराब, ये नाटक बंद करो, मेरी आरती ये ड्रामा नहीं करती थी। एक सेकंड, रघु जी ये क्या बकवास लगा के रखी है आपने?
और ये मेरी आरती क्या है? ये बात तो कल रात को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी थी ना, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? I'm sure, ये जरूर इस शिखा की वजह से। शिखा को बीच में मत लाओ कर, ये मेरे और इसके बीच की बात है। अपनी बहन के बहकावे में आके कुछ भी मत बोलो। रघु प्लीज काम डाउन, जस्ट काम डाउन। मैं जानता हूँ कि इतने दिनों से बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है कि भाई आरती कौन है और आयशा कौन है, लेकिन कल जो कैंसर टेस्ट हुआ उसके बाद तो साबित हो गया कि यही आरती है, तो कन्फ्यूजन अब किस बात का? कन्फ्यूजन है माना, कन्फ्यूजन खत्म नहीं हुआ, और आज ये विस्की कन्फ्यूजन दूर करेगी। क्या एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं आप, ये विस्की? जब कैंसर हॉस्पिटल में जब बात साफी हो चुकी है तो फिर कंफ्यूजन किस बात का? कंफ्यूजन है जब कैंसर हॉस्पिटल में बात हो चुकी है कि यही आरती है, तो अब कंफ्यूजन किस बात का? कंफ्यूजन है मानव, बहुत कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन की वजह से सबसे ज्यादा भुगतना मुझे पड़ा। आई एम सफरिंग। इसका हल निकलेगा। आज ही विस्की इसका हल निकालेगी। और आज ये विस्की इसका हल निकालेगी। एक सेकेंड, एक सेकेंड रघु जी, आप क्या बोल रहे हैं? ये विस्की इसका हल निकालेगी मतलब क्या होता है? क्या है कि मैं अपनी ड्रिंक अलग तरह से, आरती को बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं ड्रिंक, और ड्रिंक पीती भी नहीं, और ना वो पीती। दिगंबर काका ने उसको ये आरती को डायलॉग ऐड करना है, लेकिन दिगंबर काका ने आता है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन दिगंबर काका ने आता है आरती को मेरी पसंद और नापसंद के बारे में बताया, लेकिन दिगंबर काका ने आरती को मेरी पसंद, लेकिन दिगंबर काका ने आरती को मेरी, लेकिन दिगंबर काका ने आरती को मेरी पसंद और नापसंद के बारे में समझाया था। तो आरती जी पीछे ड्रिंक बनाइए मेरे लिए। अभी पता चल जाएगा कि आप कितने ओके, अभी पता चल जाएगा कि आप कितनी सच्ची हैं। जाइए ना, किसका इंतजार कर रही है? जाइए। ये क्या लगा के करण? अच्छा ठीक है, अगर आप ये करना चाहते तो कर लीजिए, बट इससे हमें कैसे पता चलेगा कि आप कैसी ड्रिंक बनाते हैं? और मैं बता, काम करते हैं, दिगंबर काका को फोन लगाते हैं, वो तुम्हें फोन पे बताएंगे। ओके, ये लो फोन पे, वो बात करो। आरती जी आरती को कह रहा हूँ, जाइए बनाइए ना ड्रिंक। लेकिन मैंने तो आपके लिए कभी भी ड्रिंक नहीं बनाई, हमेशा काका ही बनाते थे। काका ने सिखाया था आपको, आरती को तो सिखाया था,
आरती को सिखाया था और आप आरती हैं तो फिर आपको तो आता होगा ना, या फिर आप आरती नहीं हैं, सोच लीजिए। हाँ, एक बार ना, हाँ जाइए। कि मैं रघु जी बार बार इस चीज का जवाब देती रहती कि मैं रघु जी और आरती जी के बीच नहीं आ रही। आखिर आप लोग चाहते क्या है, क्यों मुझे बार बार ब्लेम करते रहते? इस घर में सबसे ज्यादा सफर मैं करती, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतना ज्यादा सफर करना पड़ता है, बताइए आप। शिखा बिल्कुल ठीक है, शिखा की गलती नहीं, गलती इसकी है। अरे ये वो रघु जी नहीं है जिन कुछ से प्यार करते थे, इस लड़की ने पता नहीं क्या पट्टी पर हाथ पड़ा दिए, इनको कुछ और नजर ही नहीं आता। शिखा 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 हर वक्त इसी का नाम जपते रहते, ये दोनों मिलकर बस हर वक्त यही प्रूव करने पे लगे हुए हैं कि मैं आयशा हूँ।